भेजना पड़ता था। आज हम लोग जो सुंदर वस्त्र आभूषण पहने बैठे हैं, आज हम लोग बड़े ही मान सम्मान से बैठे हुए हैं। एक वक्त वो था कि हम आपको ये सम्मान की जिंदगी जीने का हक नहीं था। अरे जब हम आपके बीच में आए वो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक महान, वो माननीय ललित सिंह यादव और परम पूज्य बाबा साहब, जब ऐसे महान महापुरुष हम लोगों के बीच में आए तो हम लोगों को मान सम्मान से जीने का हक वो अधिकार मिला। शायद अगर वो हमारे महापुरुषों ने हम आपके लिए इतने कष्ट न झेले होते तो हम लोगों को ये वक्त नहीं मिलता। तो इसलिए कहना कह दो मैं पंडित जी का बेटा और के बदियो, पर मुझे अपनी भाषा शैली में कहना है तो केवल संदेश था, रूप था, बल्कि पिक्चर तो अभी पूरी देखो। अच्छा कहते अब पिक्चर वो नहीं, मतलब फिल्म वो कुछ और पिक्चर दिखाती, पर हम कुछ और पिक्चर दिखाने वाले हैं। क्या हमारे महापुरुषों ने हम लोगों के लिए किया है, सारी दास्तां सुनेंगे। जब जब तू
चेहरों पर दिखावे की सजावट होती है। लाला जी बड़े बूढ़े नीचे बैठे तुम आए तो देख लिया गया। साकी रहो पाछी मत मनो कहते कि मतलबी चेहरे पर दिखावे की सजावट होती है। मतलबी चेहरे पर दिखावे की सजावट होती है। और चचा आगे ऐसा है कि मतलबी चेहरे पर दिखावे की सजावट होती है और तालियां वही नहीं बजाता है जिनके खून में मिलावट होती है। भैया मिलावट वाले भैया साउंड वाले आप नहीं पढ़ तो कहते दया।